हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो भाई उनकी बहन तो यार सीन ऐसा है कि आपके भाई के पेपर स्टार्ट हो गए, काफ़ी दिनों हो गए थे भाई ब्लॉग नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा यार, मेरी असल में ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और कुछ प्रॉब्लम थे इस वजह से। तो अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, फिर ये एमरजेंसी में लेके गए मुझे सारे यहाँ से यूनिवर्सिटी से। और फिर अलियाब और मोमिन भाई ने मिलकर एक छोटे सा ब्लॉग बनाया, वो क्लिप भी मैं आपको दिखा दूँगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारा ये पहला वीडियो है यूट्यूब पे। अभी एक पेशेंट निकल रहा था ईआर से बेड पे और मुझे लगा वो हसन है, बट मैंने रियलाइज़ किया कि हसन इतना छोटा नहीं है। हसन देख, हम तेरे लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ब्लॉग बनाने की। हमें ब्लॉग बनाना आता नहीं है, बस तू एडिट वेडिट कर लेना, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा इसका। अच्छा 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 एडिट करना है इसको, ओके। नॉट गंदा गंदा, नो नो नो। हसन का ब्लॉग चैनल मैंने टेक ओवर कर लिया आज के लिए। Hey guys, welcome back to another part of this vlog. अभी अपडेट ये है कि एक ड्रिप लग गई है, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। दूसरी चल रही है भाई। ये 200, हाँ एक लग चुकी है, दूसरी ड्रिप है बाकी। जब अदर 1000 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। डॉक्टर यश, बड़े डॉक्टर आ गए हैं, अब इनकी जान खतरे से बाहर है। पेशेंट को बचा लिया हमने। और बाकी सीन ये कि आज मैं आपको पूरी रूटीन बताऊँ कि हमारे पेपर से होते किस तरह से क्या क्या सीन होगा। आज है मेरा मॉलिकुलर बायोलॉजी का पेपर, बस इसके बाद एक कल रह गया, एक लास्ट पेपर है वो, बस वही है। खैर आज पेपर है, अभी मैं यूनिवर्सिटी पहुँच चुका हूँ। 8:20 हो रहे हैं, 8:25 हो रहे हैं, क्योंकि मेरी वैन बहुत जल्दी आती है और पेपर मतलब रिकॉर्डिंग टाइम होता है यहाँ पर 9:30 का। तो खैर अभी मैं बैठ के थोड़ा अपना रिविजन वगैरह करूँगा ताकि पेपर अच्छा हो। फिर 9:30 पर हम जाएँगे अपने रूम में एग्जामिनेशन जहाँ पर हमारा एग्जाम, फिर मिलते हैं हम आपसे। तो भैया अभी सीन ऐसा है कि 9:30 हो गए और अब हम जा रहे हैं अंदर। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ कैंटीन में, फिर अपना जो सारा सामान है ये लेके अभी जा रहा हूँ मैं अंदर और अपना फ़ोन वगैरह बैग में रख रहा हूँ। तो अभी जाके पेपर देते, मतलब 9:30 पर हमें रिपोर्ट करना होता है और 10 बजे हमारा पेपर स्टार्ट होता है। भाई हमारा पेपर वगैरह हो गया था, हम वापस आ गए सब और यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठे हैं। और अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा, अभी हमने लिए हैं चिटोस और चिटोस देखोगे एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का चिटोस। चिटोस एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का। तो हमारा पेपर वगैरह बहुत अच्छा हुआ और मतलब अभी 1-2 में खाने हैं। अलीजा को ब्लॉग दिखा देंगे। और मुँह इतना बड़ा होना चाहिए कि एक गोलगप्पा पूरा आ जाए और ये इतना बड़ा वाला चिटोस पूरा आ जाए। लाइब्रेरी कहीं से लग रही है आपको, यहाँ पे सब ठोस से जा रहे हैं, ये देखो छुपा छुपा के खा रहे हैं वहाँ ताकि देखेंगे। मैम तो गई नहीं अभी, घर से कोई लेने नहीं आ रहा। खिलाओ इसको, खिलाओ। ये वो नहीं होता, वो खरगोश जो होता है, वो खरगोश जो खाते हैं उसका खाती है। तो यार मतलब सब कुछ हो गया है और अक्सर चली गई है, बाकी ये 3 बच्चे हैं और बाकी ये लोग भी चले जाएंगे और मैं तो आपसे मैं बोर हो रहा था। यहाँ पर मैंने व्लॉग लगा लिया डिक्की भाई के व्लॉग, तो मैं वो देख रहा हूँ अभी यहाँ पर बैठ के। और कोई काम वाम है नहीं, क्या करें यार। और कल का जो पेपर है उसकी मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कल मतलब लास्ट पेपर है हमारा। और इसके अलावा कल ये सीन भी कि 14 अगस्त को तो हमारा ऑफ है, तो कल सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पर। तो हम छोड़ के हम जाएँगे, कहाँ जाएँगे कल हम, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी। हाँ हम जाएंगे बारबेक्यू टुनाइट और छोड़ देंगे यार, लास्ट पेपर है। आज हम आपको बताएंगे कि जो अरबिक होते हैं, मतलब जो अरबी होते हैं, वो इंग्लिश कैसे कहते हैं, वो इंग्लिश किस तरह बोलते हैं। जैसे अभी सेना है, सेना के साथ जो अरबिक अगर होगा इंग्लिश में कैसे बोले, सेना हाउ आर यू, हाउ वॉज यूर पेपर, What are you doing? Come here and sit here. Here. Sit here. What about your tomorrow paper? You are taking my video for views, huh? No, I'm not taking your video for views. But people can see the monkey in my video, in my vlog. And people like the monkey and... Guys, you know this is the bandar is the...
and this is the bandar, and bandar is known as Sena. No, my mind is not coming. It is not a right. यार हमारा पेपर तो गया, हम राफे से पूछते हैं। यार राफे आपने क्या लिखा है जीन थेरेपी की डेफिनेशन? इट इज अ थेरेपी ऑफ जीन। एक नई थेरेपी आई है, आज तक फिजिकल थेरेपी थी। थेरेपी ऑफ जीन। क्या सोच के लिखा तूने? यार पहले तो क्या पढ़ा था फिजिक्स की थेरेपी कर दो। क्या पढ़ी थी? स्लाइडें, स्लाइडें। स्लाइडें पढ़ी थी इसने। टोटल बदल हो गया था। पहले कट कर लेना होगा आपको जीन की थेरेपी करवानी है। इसे थेरेपी आप इसे करवाने आना यार। अभी ना ये देख रहे हो ना, यहाँ पे सारी जो इन्होंने बैग्स वगैरह पहन रखे, तो अभी इनका पेपर हो रहा है। बाय बाय। हमारा भी ऐसे ही होता है, दिन में दो पेपर देते थे हम। देखो कितना पढ़ते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स वाले। और राफे आप बताएं कैसी है आपकी, कल का क्या सीन है? कल इंशाल्लाह जो मैंने बोला था उसका क्या सीन है? हाँ क्या सीन है? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो हम सारे बच्चे डिसाइड करेंगे, जिससे फ्री हुए एक बजे फ्री हो जाते हैं ना। हाँ बस नमाज पढ़ गई फिर इंशाल्लाह। फिर कहाँ? बस अच्छे अच्छे काम करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे। हम बहुत शरीफ लोग हैं, शरीफ लोग हैं हम। हम कुछ भी नहीं करते उल्टा सीधा। कट कर लेना उसका। क्या कर लेना? कट कर लेना। अच्छा यार नहीं बस ठीक है भाई। सीन ऐसा है कि हम अंदर बैठे हुए थे और फिर बाहर आ गए, मुझे लंच करना था, फिर लंच वगैरह कर लिया और यहाँ पे ये दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं। मैं नहीं पढ़ रहा भाई, मैं नहीं पढ़ता, ये घर जाके पढ़ूंगा सुकून से। ये मतलब लंबी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पे भी। और ये देखो ये हमारी छोटी सी फार्मेसी है, ये अंदर जाके, ये फार्मेसी पहले अंदर थी अब बाहर हो गई है। और मौसम तो हम देख सकते हो कि बहुत अच्छा हो रहा है, तभी यहाँ पर बैठ सक रहे हैं, वरना यहाँ इतनी धूप होती है बैठ नहीं सकते हम। ये हमारे जो यूनिवर्सिटी है इसकी एंट्रेंस है, ये गेट है, यहाँ से जाते हैं, ये यूँ आते हैं, यहाँ से पेशेंट्स अंदर जाते हैं और ये जो रास्ता है पीछे वहाँ से हम अंदर जाते हैं। ये हमारे गार्ड जो हैं ये आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये सब होता है। और ये जो मेरे दोस्त हैं ये नल्ले बेरोज़गार लोग हैं, पढ़वा के आते वाते हैं नहीं, और फिर आगे बोलते हैं हमने कुछ पढ़वाड़ा है नहीं। तो आप पहचान सकते हैं कि मैंने किसकी आवाज़ निकाली है, जो ऐसे बोलते हैं नल्ले बेरोज़गार लोग हैं, पढ़ पढ़ के आते वाते हैं और यहाँ पे फिर उनको कुछ आता नहीं, और ये नल्ले बेरोज़गार यहाँ पे बैठे हुए होते हैं और फिर फेल हो जाते हैं ऐसे करके, और फिर इनकी जीबी बनती नहीं है और भैया रो रहे होते हैं यहाँ पे बैठ के। okay. और इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि साउथ में जो है 14 अगस्त का मतलब सारी वो तैयारियाँ वगैरह हो रही है, और वहाँ पर भी देख रहे हो तुम, ये देख रहे हो झंडियाँ वंडियाँ लगाई हुई हैं। और कल मैंने तुम्हें बताया था कि कल जो सारा सीन है लाइक सेलिब्रेट वगैरह करेंगे, बट मुझे आके कहा भी था साजिद ने कि स्पीच करनी है भाई, मेरी हिम्मत नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे स्पीच वगैरह नहीं कर सकते, लाइक प्रेशर लगता है ना, तो मतलब नहीं होता। तो खैर मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। बाकी कल बॉयज़ का प्लान है, उसका भी पूरा मतलब ब्लॉग बनेगा एंड फिर वो अपलोड कर देंगे, फिर देख लेना आप। जियाउद्दीन ने पूरी जोश खरोश से जो है क्या कहते हैं जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, और हम मतलब जश्न आज़ादी यहाँ पे मनाई जा रही है, क्या बोलते हैं यार, मतलब प्योर उर्दू में बोलते हैं, खैर जो सेकंड रिटे के बोले थे। खैर आप देख सकते हैं कि जियाउद्दीन ने पूरे जोश व खरोश के साथ जो जश्न आज़ादी है वो मनाई जा रही है, यहाँ पर बहुत जज्बा और लोगों का जज्बा बहुत बुलंद है, आप सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है समझ गया, ठीक है अच्छा ठीक है समझ गया मैं। और ये नल्ले पर रोज़गार लोग हैं, इनको खुद कुछ पता पता है नहीं, हमें यहाँ पर गेट करके रखा है इन लोगों ने। मैं पाकिस्तानी हूँ वो नहीं है, मुझे उर्दू उर्दू बोलने में आती या नहीं है, और मतलब उर्दू आती है यार, मतलब अच्छी खासी आती है। कैसे हैं आप लोग? खैर ये नल्ले बेरोज़गार लोग हैं, तो कुछ पता वाता है नहीं, बस यहाँ पे ये जज्बाती बन जाते हैं। और ये खैर यार हम ज़्यादा लंबी नहीं करते, आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। बाकी आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, और बाकी फिर हम मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, वो भी मतलब फिर अपलोड कर दूँगा बाद में, बट वो कल के ही व्लॉग होगा, बाकी जब भी अपलोड होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।